ہے سورة الجاسية آية 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون सोलख अल्लाह अल्लाद हो आज की आयत मुबारका में बयान फरमाते कि इस कायन के निज़ाम ने जो तख्लीक की है आसमानों की ज़मीनों की तो आसमानों को पैदा करना और ज़मीनों को पैदा करना ये एक हकीकत की बुनियाद पर यह कोई आबस और बेकार नहीं है इसलिए इस कायन के निज़ाम का जो वजूद है इसकी कुछ हकीकत है और वो हकीकत क्या है कि इंसान इस कायन के निज़ाम में गौर फिक्र करके अल्लाह तक पहुँच जाए कि वाक़ इस निज़ाम को एक बनाने वाली ज़ात है जो कि अल्लाह है जिसने न बड़े बड़े आसमानों को बना के और इन आसमानों को थामे रखा हुआ है बग़ैर किसी सुतूँग के और कोई गिरने वाला नहीं कभी अभी तक इसमें दराड़ कोई नहीं है तो इंसान इस बात को समझे कि इस आसमानी निज़ाम और ज़मीन ज़मीन के अंदर जिन चीज़ें हैं जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों का निज़ाम अल्लाह ही अपने अमर से चलाते हैं बहरहाल लेकिन साथ साथ बताया भी जा रहा है समझाया जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए इब्तः हो उसके लिए इंतदा भी है आसमान और ज़मीन का कोई वजूद नहीं था अल्लाह ने उसको आदम से वजूद में लाया लेकिन एक ज़माना आने वाला है कि ये आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इज समाफ़ औरत व इदल कवा की मन तसरत और ये ज़मीन हिल जाएगी व इजाजल अर्दु जिलजाला हा वज तिल और ये ज़मीन हिल जाएगी और ये हरकत कर जाएगी और अपने सारे दफीने बाहर निकाल लेगी तो ये अल्लाह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह इस कायन के निज़ाम की इब्त है तो ऐसी इसके लिए इंतहा भी है इसके लिए मिट जाना फना हो जाना है उसके बाद अल्लाह हर नफ्स को उसके किए गए अमल का उसकी कमाई का बदला चुकाएगा इसलिए फरमाते वाले तुजा कल्लू नफ्स में बेमा का सबर ताकि हर नफ्स को बदला दिया जाए उसकी कमाई का यानी उसने जो अमाल कमा लिए हैं उन अमाल का बदला दिया जाए वह ला और ये बदला देने में ज़रा बराबर ज्यादा नहीं की जाएगी उन पर चूँकि इस कायनत के निज़ाम को अल्लाह ने बनाया और इंसान को इसने मुक़ल्लफ़ बनाया अब जब इंसान को मुक़ल्लफ़ बनाया तो इंसान को बदला भी चाहिए ताकि नेक अमल करने वाले अल्लाह की मशा को पूरा करने वालों को कामयाबी से अमकिन किया जाए और जो अल्लाह दिलाशाह के अमर से इनकार करने वाले हैं अल्लाह के रसूल से इनकार करने वाले हैं से इनकार करने वाले हैं इनके लिए अल्लाह अल्हिलान के यहाँ ये फैसला होगा कि ये असाब शिमाल में से होकर जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे तो एक दिन ऐसा मुकर करना चाहिए जिस दिन इन नेक और बद के दरमियान फैसला किया जाए इसके फरमाते हैं वलितजाकमा का सबक हर नफ्स को हर शख्स को बदला दिया जाए उसकी कमाई का जो वो कमा चुका है उन पर जुलम नहीं किया जाएगा अब एक तरफ अल्लाह ने दलाइल की बुनियाद पर यह बात इंसान को समझा दी कि तुम्हारा माबूदी बरहक वो एक अल्लाह है अल्लाह के सिवा कोई नहीं है बताओ तो से तुम्हारे जो बनाए गए बुद्ध और माबूद है इन्होंने इस जमीन और आसमान में किस चीज़ को वजूद दिया हुआ है किस चीज को बनाया हुआ है कोई दलील नहीं लेकिन बस सिर्फ अपने ख्वाहिश के इत करने वाले हैं जो जी में आया उसके मुताबिक अमल कर चुके इसे फरमाते हैं आप ही बतला दीजिए उस शख्स के बारे में आपकी राय क्या उस शख्स के बारे में जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा हो जो जी में आया उसको पूरा किया वजल आमिन और अल्लाह उसको गुमराह कर चुका हो इन के बावजूद यानी अल्लाह शाह जानते हैं कि ये बंदा अल्लाह शाहान के भेजे गए तालीमत से मुंह मोड़ने वाला है और या मुस्तबल के अतबार से अल्लाह शाहानहों ने इसका फैसला जहन्नम का करना है और यह इस बंदे के इल्म के बावजूद अल्लाह उसको गुमराह कर चुके हैं यानी यह बंदा समझता भी है कि मेरे पास ये इल्म आया हुआ है कि अल्लाह वह शरीक उसका कोई शरीक नहीं और यह पैगंबर अल्लाह की तरफ से भेजा गया बरहक पैगंबर है यह कुरान अल्लाह की किताब है लेकिन बावजूद उसके बतकल्लफ जाहिल बनकर और अल्लाह शाह की मंशा को छोड़ लेता है और ख्वाहिश की इतबा कर लेता है तो अल्लाह शाह उसके जाने के बावजूद उसको गुमराह कर चुके हो वह खातमा और अल्लाह ने मुहर लगा दिया हो उसके कानों पे उसके दिल पे वजह बस रही और उसके आंखों पर पर्दा डाल रखा हो बताओ तो सही कि जिसको अल्लाह गुमराह कर लेमबादिल्ला तो अल्लाह के बाद अल्लाह के सेवा कौन उसको हिदायत दे सकेगा जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए हिदायत देने वाला कोई नहीं जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं है। तुम नसीहत हासिल नहीं करते इस बात से कि अपनी नस की ख्वाहिशात के इतबात से बाज आ जाओ इस कायनात के निजाम में सबसे बदतरीन आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर वो शख्स हुआ करता है जो अपने ख्वाहिश के तबाह में चल लगा रहता है इसलिए अल्लाह जल मजीद के और आप ने आपदी मुबारक के अंदर ये बात समझा दी है इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए मेरा नफ्स मुझे किस तरफ ले जा रहा है मैं तो नफ्स की ख्वाहिश के इत करता रहूंगा तो आगे अंजाम किया होगा इसलिए फरमाया इंसान जब ख्वाहिशात नफसानिया का गुलाम बन जाता है पुजारी बन जाता है अंजाम कार इसके लिए जहन्नम की आगे अल्लाह ने जहन्नम को पर्दे में रखा है और कौन से पर्दे में ख्वाहिशात के पर्दे में रखा है जब बंदा ख्वाहिशात को पूरा करने वाला होता है अंजाम कार ये उस पर्दे को उठा के जहन्नम के अंदर गिर जाने वाला है इसके मुकाबले में जन्नत को वजबिल जन्नत व बिलमकार जन्नत को अल्लाह ने पर्दे में रखा है जीना चाहने वाली चीज़ों के साथ सख्त सर्दी के मौसम में सुबह शाम करके नमाज पढ़ना मुश्किल होता है गर्मी के मौसम में रोजे रखना मुश्किल होता है लेकिन इन मशक्क़त वाले आमाल जीना चाहने वाले आमाल इस पर्दे के पीछे अल्लाह ने जन्नत को छुपा के रखा हुआ है इसलिए आप वसल्लम फरमाते हैं दुनिया के अंदर ख्वाहिशात का इत्तबा करने वाला इंसान हमेशा नाज नेमत में ने रहा हुआ इंसान जब ये कल क्यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा इसको एक मरतबा एक गोता दिया जाएगा जहन्नम के अंदर इससे पूछा जाएगा तूने तो कभी नात नेमत की जिंदगी देखी है कभी देखी नहीं है और दुनिया का हमेशा तकलीफ और मुसीबत और मशक्क़तों में मुबतला इंसान और उस पर सबर करने वाला जब कल क्या मत क्योंकि जन्नत में एक गोता लगा दिया जाएगा पूछा जाएगा बताओ तो उसे तुम पर दुनिया के अंदर कोई मशक्कत आई थी कोई बेचैनी और परेशानी नहीं कह मैंने कभी कोई बेचैनी परेशानी मुशक्कत देखी नहीं है सब कुछ भूल जाएगा इसे दुनिया का मुसलमान आज परेशानियों का शिकार इसकी वजह से मायूसी नहीं होनी चाहिए ये थोड़ी सी जिंदगी है खत्म होना इसलिए आप लौ त लौ त लौ फरमाते हैं कि अल्लाह जल शान हर वो शब्द जो जहन में जाने वाला होगा उसको अल्लाह पाक जन्नत दिखा देंगे और अल्लाह फरमा देंगे तू अगर मेरा कलमा पढ़ने वाला होता तो तेरी जगह तेरा टिकाना जन्नत के अंदर ये होता लेकिन तुमने पढ़ा नहीं जाओ तुम जहन्नम के अंदर और जन्नत में जाने वाला शख्स अल्लाह उसको जहन्नम दिखा देगा और अल्लाह फरमाएंगे अगर तू अपने नफ्स के ख्वाहिशात की तबाह करते हुए और मेरी मंशा को छोड़कर तू कलम हक का अगर इकरार ना कर लेता तो तेरा टिकाना ये होता जहन्नम के अंदर लेकिन तूने कल में हक पढ़ लिया जा। जाओ तुम जन्नत के अंदर मजे कर लो ये इस बात से कि जन्नती जन्नत में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले और जहन्नमी जहन्न में जाकर हसरत और अफसोस कर ले अल्लाह की हसरत और अफसोस को और भी बढ़ा देगा और भी बढ़ा देगा इसलिए दुनिया ये नफ्स के ख्वाहिश को पूरा करने की जगह नहीं है आप वसल्लम ने यह बात मिसाल के साथ समझा दी और नक्शों के साथ समझा दी आप सल अलैहि वसल्लम ने फरमाए इंसान की उम्मीद और ख्वाहिशात ये जिंदगी का आखिर स्टेज यहां इंसान की मौत है और इसकी ख्वाहिशात यहाँ से आगे निकले हुए हैं इसलिए आप सल्ला तो फरमाते वल मन वो आज हवाहा व तमन्ना सबसे बढ़कर बेवकूफ इंसान वो होता है जो अपने नफ्स के ख्वाहिशात के इत्तबा करे और अल्लाह पर उम्मीदें बांधे सबसे खतरनाक इंसान होता है ये दीन को भी अपने खाश के ताबे बनाने की कोशिश करता है अल्लाह तो फरमाते बताओ तो सी मेरे पैगम्बर कि जो शख्स अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखता हो और अल्लाह दिल्ल शाह उसके दिल के अंदर रगबत ना होने की वजह से उसके दिल और उसके कान पर मुहर लगा चुके और जिसके अंदर हिदायत कबूल करने की सलाहित और इसदाद ही बाकी नहीं रहती और उसके आंखों पर अल्लाह पर्दा डाले जिसकी वजह से वो हक देख नहीं पा रहा है कौन उसको हिदायत देने वाले अल्लाह अफलात अदा करूँ या तुम नसीहत नहीं करते हो मरतबा जिंदगी है और एक ही मरतबा मरना है हमें कोई दोबारा जिंदा नहीं कर सकेगा हमने दोबारा जिंदा होना ही नहीं है उनको आखिरत का यकीन ही नहीं है इसलिए फरमाते हैं और हमें हलाक नहीं करता मगर ये जमाना ये दुनिया के अंदर इस बात का एतमाद ही नहीं रखते हैं कि मौत के बाद जब हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये इंसान की रीढ़ की जो हड्डी है और जहां पर ये जानवर का दुम होता है ये वाली जगह इंसान की यह बकिया पूरा बदन रेजा रेजा हो जाता है लेकिन ये वाली हड्डी ये हिस्सा ये बाकी रहता है और कल क्या मत के दिन जब इंसान को उठाया जाएगा इसी से इंसान की रुशनुमा होगी अर्श के नीचे से एक बारिश बारिश होगी और उस बारिश के कतरों से ये इंसान का जो बदन है ये यूं फैल जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समझाते हैं जैसे एक दाना हुआ करता है और उसका बीच निकल जाता है और उसका बेल वो फैल जाता है ये इंसान के आजा फैल जाएंगे उठ खड़ा हो जाएगा एक जोरदार धमाका होगा इंसान समझ रहे हैं मुझे कौन दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह फरमाते हैं फाइन नजर तुम वाहिरा फिदा हूँ एक जोरदार आवाज एक धमाका एक ब्लास एक चीख और अचानक इंसान सारे के सारे अल्लाह के सामने खड़े होंगे अल्लाह आप सल्लाह फरमाया इंसान जैसी पहली मरतबा दुनिया के अंदर आया नंगा बदन नंगे पाओ बगैर खतने के आया और मैं तुम क्या के दिन जब उठाए जाओगे कब्रों से नंगे बदन नंगे पाओ और बगैर खतना के उठा दिए जाओगे अल्लाह फिर उस दिन बंदा कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने टखनों तक, तक गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा कोई घुटने तक कोई शलवार के बांधने की जगह तक और कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया अपने मुंह तक ये डूबा हुआ होगा अपने गुनाहों के से, से अपने पसीने के अंदर ये ये हाल हो। तो ये लोग ये गुमान करते हैं हमने मरना है और मरने के बाद दोबारा कोई दिन बस यही एक ही जिंदगी एक ही मरतबा मौत अल्लाह फरमाते हैं वमा इनके पास तो इस बात पर कोई ही मौजूद नहीं है अल्लाह ने दलाइल की दुनिया में इंसान को यह बात समझा दी है अल्लाह मौत के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है इंसान जगड़ालू बनता है पैदा हुआ मु जगड़ालू बनता है अल्लाह के साथ मुझे कौन जिंदा करेगा अल्लाह फरमाते जिस जात ने पहली मरतबा पैदा फरमाया है वही इसको दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह क्या मत के दिन कुछ लोग वो होंगे जो अपने चेहरों के बल सर के बल चलेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल बंदा सर के बल कैसे चलेगा चेहरे के बल कैसे चलेगा फरमा जिस जात ने दुनिया के अंदर इंसान को पाओ के बल चलने से कहाया क्या मत इसी को इंसान को फिर अल्लाह सर के बल चलाएगा इसलिए फरमाते हैं दुनिया के अंदर इंसान के पास अपनी इस बात पर कोई दलील मौजूद नहीं इल्ला हमला अपने गुमान और ख्यालात ख्यालती हकीकत इसकी कोई नहीं है

और उनके साथ ज्यादा नहीं की जाएगी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा यानी नेकी कोई बड़ी की है और कोई छोटा किया जाए और नेकी को छोटा करके सवाब कम दिया जाए नहीं ऐसा नहीं होगा या किसी ने गुनाह किया ही नहीं उसके जिम्मे गुनाह आ जाए ऐसा नहीं होगा जी फरा मेरे बंबर आप ही तो बतला दीजिए उस शख्स के बारे में जिसने बना रखा हो अपना माबूद अपनी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा हो और उसको बावजूद जानने के बावजूद के उसको कर चुके हो वो खतम और अल्लाह उसके कान पर उसके दिल पर मुहर लगा चुके हो वजह अल्लाह उसके आंखों पर पर्दा डाल चुके हो कौन उसको होदायत देगा अल्लाह के सिवा करूँ क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते हो वो कल ही न दुनिया नमो तो अनहया और कहते हैं ये लोग के नहीं हमारी जिंदगी मगर दुनियावी जिंदगी मा ही तो बस हमारे तो दुनियावी जिंदगी ही है न मू तो व्या एक ही मरतबा मरना है और एक ही मरतबा जिंदा होना है और हमें हलाक नहीं करता मगर जमाना वह और इनके पास इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है इन ये तो बस गुमान ही करते हैं ख्याल ही करते हैं